Welcome in TBC, the big chef. I am Shekhar and आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अटैक ऑन द किंग के बारे में, किंग पर किस तरह से अटैक करते हैं इसके बारे में. सो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि किंग की पोजीशन कैसे वीक होती है और किंग कैसे सेफ रहता है. तो अगर हम इस पोजीशन को देखें तो इसमें वाइट का किंग है G1 पे और ब्लैक का किंग है G8 पे. लेकिन ब्लैक के किंग साइड पे जो कैसल किंग के साइड पे पॉन्स हैं वो वाइट के जैसे नहीं है. ब्लैक की G7 पॉन G7 पे नहीं है, G6 पे है, जिससे F6 और H6 जैसे कुछ स्क्वायर्स वीक हो गए हैं. इसकी सहायता से अपोनेंट ब्लैक के किंग को आसानी से टारगेट कर सकता है बजाय वाइट के. अगर वाइट के किंग को अटैक करना हो अपोनेंट को, तो एक थ्योरी कहती है कि ब्लैक को या अपोनेंट को कम से कम एक माइनर पीस का सेक्रीफाइस करना होगा. और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें और भी है कि जब भी हम किंग के पान मूव करते हैं तो हमेशा किंग की वीकनेस को बढ़ाते हैं. अब हम इसमें बैक रैंक की प्रॉब्लम को ना जोड़ें तो अगर इस पोजीशन में वाइट F3 खेले, मान लीजिए कि अगर वाइट F3 खेल ले, तो अब आप देखो कि A7 G1 डायगोनल जो है अब ये वीक है. तो अपोनेंट इस तरह की चांसेस को आसानी से काउंटर कर सकता है. ये कोई ग्लोबल इनकी इम्प्लीमेशन नहीं है, ये हर बार पोजीशन के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, मोबिलिटी के हिसाब से अप्लाई होगा. बस हम इस पोजीशन पे ये कह सकते हैं पोजीशन पे कि जो ब्लैक का किंग है वो वीक है वाइट के किंग की अपेक्षा. अब हम गेम की तरफ चलते हैं. गेम देखना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल शब्दों से ज़्यादा कुछ समझा सकता है. ये गेम एलेखाइन और हंस जोनर के बीच खेला गया है 1934 ज्यूरिख में. एलेखाइन वाइट हैं, ज्यूरिख जोनर ब्लैक हैं. E4 एलेखाइन ने खेला, E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 रॉयल लोपेज, A6 बिशप A4 D6 कैसल नाइट F6 C3 वन वाइट सेंटर पे और स्पेस चाहता है D4 के साथ. बिशप D7 D4 बिशप E7 D5 नाइट B8 बिशप C2 डिफेंडिंग E4 बिशप G4 C4 के साथ वाइट ने C3 स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए फ्री कर लिया और सेंटर पे थोड़ा और स्पेस ले लिया. नाइट Bd7 H3 से बिशप हिट कर रहा है वाइट, तो बिशप H5 नाइट C3 कैसल G4. इसको हम एक महत्वाकांक्षी और ओवर एम्बिशियस मूव कह सकते हैं एलेखाइन की, पर ये एलेखाइन के खेलने का स्टाइल ही है. बिशप G6 क्वीन E2. इस पोजीशन पे हम कह सकते हैं कि वाइट ने जो अपने किंग साइड पे जो पान मूव कर दिए हैं आगे की तरफ, इससे वाइट किंग साइड अटैक करना चाहता है. वो अटैक वाइट का जो सेटअप हो सकता है वो बिशप D2 किंग G2 रुक H1 और जो रुक A है वो G1 तक लाकर. और ब्लैक के पास इस तरह के अटैक के ज़्यादा चांसेस नहीं है. उसका सबसे बड़ा कारण है G6 बिशप ने ब्लैक के जो पान के पाथ को रोका हुआ. जैसे इस पोजीशन पे आप G7 पान मूव ही नहीं कर सकते. सो यहाँ पर थ्योरी कहती है कि यहाँ पर जो वाइट किंग की पोजीशन वीक हो चुकी है तो ब्लैक उसका एडवांटेज ले सकता है. हालांकि गेम में ब्लैक ने यहाँ पर नाइट E8 खेला है जो कि बैड मूव है. यहाँ पर ब्लैक H5 खेल सकता था जो एक अच्छी चाल होती. H5 पे वाइट नाइट H4 खेल सकता था. आइडिया है कि नाइट से ये G6 बिशप कैप्चर कर दो और जो किंग के सामने का पान स्ट्रक्चर है उसको और वीक कर दो. तो यहाँ पर H into G4 और यहाँ पर एक और भी चाल खेल सकते हैं. अगर आप नाइट H4 पे देखें तो ये जो नाइट है H4 वाला वो इनडायरेक्टली बिशप से हिट हो रहा है अगर ये नाइट मूव हो जाए तो. तो यहाँ पर अगर एक हम नॉर्मल टैक्टिक देखें कि बिशप E4 नाइट E4 अब लग रहा है कि वाइट कुछ भी खेलेगा तो नेक्स्ट मूव में ब्लैक इस नाइट को कैप्चर कर लेगा, बट क्वीन इनको E4. अब अगर आप नाइट को कैप्चर करोगे तो आपका चेकमेट हो जाएगा. तो इसलिए नाइट H4 के बाद ब्लैक H into G4 कैप्चर करता है, कर सकता है. वाइट H G4 नाइट H7 ये गुड मूव है. ये H5 का आइडिया पूरे नाइट H7 मूव पर बेस्ड था आफ्टर नाइट G6. अब देखिए पान तो वीक हो गई है लेकिन ब्लैक
g5 खेल सकते हैं नेक्स्ट मूव में, और f4 कभी फिर वाइट का आ ही नहीं सकता, और ब्लैक के पास f4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइट ने f4 खेला, आफ्टर e f4 बिशप f4 बिशप f6। अब देखिए जो पोजीशन में है, e4 पान वीक है और ब्लैक के पास e5 स्क्वायर आ गया है, जहाँ पर कभी नाइट और बिशप आ सकते हैं। ये नाइट आ सकता है कभी e5 पे, और कभी बिशप भी आ सकता है। तो यहाँ पर आप नाइट e8 खेला ब्लैक ने बैड मूव, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ व्हाइट ने बिशप d2 खेला, सेम आइडिया है, किंग g2 और रुक h1। यहाँ पर h6 खेला, इस तरह की मूव वीक मूव कहलाती हैं। आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बिशप के लिए रूम निकाल रहे हो, जबकि यहाँ पर h5 प्रेफरेबल था, h5 भी खेल सकते थे। जब किंग के पान की मूव किंग आप कर ही रहे हैं, तो आप h5 कुछ अटैकिंग मूव भी खेल सकते हैं। किंग g2, बिशप h7, रुक h1, g5। अगर g5 से आप देखो, ये मैं कह सकता हूँ कि गेम की सबसे ख़राब चाल थी, जिसके कारण ब्लैक हार गया। सारी मूव कुछ मूव वीक भी थी, पर ऐसी नहीं थी जो डेडली थी, ये डेडली मिस्टेक्स है। इसके साथ आपने एक तो f5 स्क्वायर वीक कर दिया, जिससे अब वाइट का नाइट d1 e3 और f5 रीच कर सकता है, और साथ ही आप h5 भी वाइट के हाथ में दे दिए। वाइट कभी भी h4 खेल सकता है, और h g5 कैप्चर करके h5 ओपन कर सकता है। तो यहाँ पर वाइट ने h4 खेला, ब्लैक ने f6 खेला, नाइट d1 जैसा कि मैंने बताया, नाइट e3 और f5, रुक f7, नाइट e3, नाइट f8। नाइट f8 के साथ ब्लैक अपने नाइट को f4 पे प्लेस करना चाहता है g3 के द्वारा। तो यहाँ पर वाइट ने नाइट f5 खेला, नाइट f5 के बाद बिशप इंटू f5, g f5। अब जो g6 स्क्वायर है, अब नाइट ब्लैक का जा ही नहीं सकता f4 पे, क्योंकि g6 स्क्वायर जो है अब वो ये पान से गार्डेड है। और एक और ख़ास बात है g f5 के बाद, कि जो h और g दोनों फाइल हैं वो वाइट के लिए ओपन हो चुकी हैं, जिससे वाइट का अटैक और ज़्यादा घातक हो सकता है ब्लैक के लिए। तो यहाँ पर रुक h7 खेला ब्लैक ने, कि रुक h7 का आइडिया कि जब भी h फाइल ओपन होगी तो ब्लैक फाइट कर सकता है, ब्लैक का रुक भी कंट्रोल करता रहेगा एच फाइल को। वाइट ने खेला रुक g1, पहले आप अपने पीसे को सेटअप करो फिर एच फाइल खोलो, ऐसा नहीं कि पहले ही h g5 कर दिया और आप एडवांटेज नहीं ले पाए। नाइट g7, अब इसका भी आइडिया है, नाइट h5 और नाइट f4, पर अब डायरेक्ट नाइट h5 नहीं आ सकते, क्योंकि नाइट इंटू g5 का एक थ्रेट आ रहा है। तो यहाँ पर वाइट ने किंग f1 खेला, ब्लैक ने क्वीन e8 खेला, सेम आइडिया, क्वीन e8 से उसने सपोर्ट दिया, क्योंकि अब आप नाइट h5 जाएंगे तो नाइट इंटू g5 कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन ने नाइट को सपोर्ट किया हुआ है। नाइट h2 आइडिया है, नाइट g4 का, नाइट h5, नाइट g4, नाइट f4। नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पे प्लेस कर लिया ब्लैक ने, पर नाइट के साथ ही जी फाइल और एच फाइल ओपन हो जाएगी नाइट कैप्चर से। क्वीन एफ थ्री पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ने सोच रखा है कि अगर ब्लैक यहाँ पर एक कुछ भी मूव करे, लाइक b6 जैसी मूव करता है, तो बिशप इंटू f4 e f4, क्योंकि आप जी से तो मार नहीं सकते, जी से मारने पे प्रॉब्लम है, नाइट से चेक भी होगा, g f4 देन क्वीन f4। अगर आप क्वीन कैप्चर करते हो तो नाइट h6 चेक। अब नाइट h6 चेक पे नाइट भी किंग को चेक कर रहा है और रुक भी किंग को चेक कर रहा है, रुक से भी चेक है, नाइट से भी चेक है किंग को, और किंग के पास एक ही स्क्वायर है अटने के लिए, किंग h8 और रुक g8 चेकमेट। तो क्वीन f3 के बाद वाइट के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ब्लैक ने किंग g7 खेला। अब यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप नाइट इंटू h6 की तरफ जाएंगे तो किंग h6 ही मार देगा कभी। तो यहाँ पर h इंटू g5, वाइट ने एच फाइल खोली, hg5, रुक h7, नाइट h7, रुक h1। एक साधारण तौर पे देखें तो वाइट के पास अब एच फाइल का पूरा कंट्रोल है। जो आपने g5 चाल खेली थी ब्लैक ने, उसका ये डिसएडवांटेज है कि अब वाइट के पास एच फाइल का पूरा कंट्रोल है। पर इसके साथ ही वाइट का एक और भी आइडिया है, कि एच फाइल के कंट्रोल में बिशप इंटू f4 मारने के बाद आप कभी भी क्वीन h3 जा सकते हो, क्वीन h3 जा सकते हो, इसमें क्वीन h6 और कभी h7 भी कैप्चर हो सकता है। यहाँ पर क्वीन h3 आने के बाद इमीडिएट विन हो सकता है। तो यहाँ पर
ब्लैक ने किंग एच एट खेला, वाइट ने रुक एच सिक्स खेला, इंटेंडिंग क्वीन एच वन, क्वीन एफ सेवन, डिफेंडिंग एच सेवन, बिशप डी वन। बिशप डी वन का इम्पोर्टेंस हमको गेम का कोर्स बताएगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मूव थी जो एलेखाइन ने पहले से देखा। अब उसके एक्सरे आई का आप कमाल देखेंगे आगे। रुक जिए, ब्लैक एक डिफिकल्ट टास्क को फेस कर रहा है और अपने आप को डिफेंड कर रहा है एनी नंबर, किसी भी नंबर ऑफ थ्रेट्स के। मतलब यहाँ पर कितनी थ्रेट्स हैं कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। जैसे कि उनमें से एक है जो अब एलेखाइन ने खेला, अगर आप देखें तो किंग साइड पे वाइट अटैक कर रहा है और ब्लैक ने किंग साइड को डिफेंड कर लिया है। तो मैं जो हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेस, प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेस वो होती है कि जब आप अपोनेंट को एक वीकनेस देते हो तो वो उसको डिफेंड कर सकता है, ऐसा थ्योरी बोलती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी वीकनेस, एक वीकनेस अपोनेंट डिफेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप दो वीकनेस क्रिएट कर दो तब अपोनेंट के पीसेस पैरालाइज्ड हो जाते हैं और तभी असली जीत आपके हाथ में आती है। तो यहाँ पर जैसा कि सारे पीसेस किंग साइड पे, अब एलेखाइन ने क्वीन साइड पर अटैक करने के लिए क्वीन बी थ्री लिया। इसका आइडिया है कि हम क्वीन साइड के पान कैप्चर कर लेंगे। हमारे किंग को तो कोई अटैक है नहीं, तो हम आपके किंग के, आपके क्वीन साइड के पान कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर बी सिक्स खेला, बी सेवन पान को डिफेंड किया, तो यहाँ पर क्वीन ए फोर एक गुड मूव खेली। अब फिर ये वही है प्रिंसिपल ऑफ टू वीकनेस। यहाँ पर तो वैसे तो ये डबल अटैक भी है कि ए सिक्स भी मार रहा हो, क्वीन डी सेवन भी आ रहा है। क्वीन डी सेवन के बाद आप नाइट एफ सिक्स कैप्चर कर पाओगे। सो यहाँ पर क्वीन को डी सेवन को रोकने के लिए ब्लैक ने बिशप एफ एट खेला। सो विनिंग द पान, क्वीन ए सिक्स, बिशप एच सिक्स। अब हमारा लग रहा है कि एक्सचेंज कैप्चर हो गया, पर नाइट एच सिक्स के बाद देखिए आपकी एफ सेवन और जी एट दोनों पे हिट कर रहा है। और अब जो डी वन बिशप का इम्पोर्टेंस जो मैं आपको बोल रहा था, डी वन बिशप के कारण क्वीन एच वन नहीं आ सकता, क्वीन एच फाइव नहीं आ सकता, क्योंकि क्वीन एच फाइव आएगा तो डी वन बिशप से कैप्चर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंस था वो बिशप डी वन मूव का। सो यहाँ पर पहले कहीं वो जॉनर ने क्वीन जी सेवन खेला, तो अपना एक्सचेंज वापस लिया एलेखाइन ने, क्वीन सी एट चेक। अब यहाँ पर आप नाइट एफ एट ही से डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप क्वीन एफ एट से डिफेंड करेंगे तो क्वीन सी सेवन से आपकी एक और पान कैप्चर हो जाएगी। तो यहाँ पर नाइट एफ एट खेला जॉनर ने, यहाँ पर बिशप एफ फोर कैप्चर कर दिया। अब इस आउटपोस्ट को सही टाइम पर एलिमिनेट किया गया है जब ब्लैक इसका एडवांटेज नहीं ले सकता ऐसे पान स्ट्रक्चर का। पान अगर आप देखें तो ई एफ फोर के बाद आ तो गए हैं, पर इसका कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि इस पोजीशन पे ज़्यादा पीसेस ही नहीं है। यहाँ पर क्वीन ई एट खेला एलेखाइन ने, जी फोर, वाइट जी थ्री, एफ थ्री और कई बार क्वीन एच सिक्स और एच वन मेट भी कर सकता है। ऐसा ब्लैक वाइट का ब्लैक का प्लान है कि क्वीन एच सिक्स और क्वीन एच वन, इस तरह से वाइट का प्लान एग्जीक्यूट होगा, ब्लैक का प्लान सॉरी एग्जीक्यूट होगा। और इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और एलेखाइन ने भी नहीं किया। क्वीन एच फाइव खेला, आइडिया कि जी फोर पान कैप्चर हो रही है। तो एफ थ्री खेला जॉनर ने, बिशप ए फोर खेला, बिशप ए फोर का आइडिया कि जो नाइट डी सेवन जा रहा है उसके साथ ई फाइव आ सकता है, उसको स्टॉप किया। तो यहाँ पर नाइट एच सेवन खेला जॉनर ने, यहाँ पर एलेखाइन ने बिशप सी टू खेला। यहाँ पर वापस नाइट एफ एट गया कि आइडिया कि नाइट डी सेवन और ई फाइव, पर एलेखाइन की जो एक्सरे आई देख रही थी वो जॉनर नहीं देख पाए। और एलेखाइन ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव खेली है जो हमने कई कॉम्बिनेशन की बुक्स में भी देखी होगी ये पोजीशन, अगर आपको याद हो तो ई फाइव। वाइट ने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की इस पोजीशन तक आने के लिए, पर अब जो उसका बिशप था सी टू, उसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं था मूव करने के लिए। और ये मूव जो है उसने बिशप को स्पेस दिया कि बिशप मूव कर पाए। अब यहाँ पर वाइट ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डी पान से ई पान को कैप्चर करे या एफ पान से, और अगर आप और कोई मूव चलते हैं तो ई सिक्स प्रमोट हो जाएगा। तो आपके पास या तो ई सिक्स प्रमोट हो जाएगा, या आप इस पान से कैप्चर करें या इस पान से कैप्चर करें। सो इनकेस गेम में ब्लैक ने डी फाइव से कैप्चर किया, अगर हम देखें एफ पान से कैप्चर करते तो क्या होता है। एफ पान से कैप्चर करने पर वाइट एफ सिक्स खेलता, क्वीन एफ सिक्स मारने के बाद क्वीन जी फोर, क्वीन एफ सेवन और बिशप ई फोर। अब यहाँ पर बी फोर, ए फोर, ए फाइव से भी जीत जाएगा और एफ थ्री पान भी कैप्चर हो रही है, और नाइट के पास तो ज़्यादा स्क्वायर है ही नहीं मूव करने के लिए। अब हम गेम में देखते हैं कि ब्लैक ने डी फाइव मारा तो डी सिक्स खेला। अब इसका सिंपल आइडिया कि बिशप ई फोर और बिशप डी फाइव चेक, फोर्थ वाइट विन हो जाएगा अगर बिशप ई फोर और डी फाइव से चेक आ गया।
तो यहाँ पर ब्लैक ने c5 खेला, c5 पे वाइट ने बिशप e4 खेला। इसका सिंपल ही आइडिया है, ये बिशप d5 चेक, और आपको क्वीन बीच में लानी होगी, और सिंपल मीन था कि वो आप हार जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लैक ने क्वीन d7 खेला, किंग के लिए g7 स्क्वायर बोला कि अगर आप बिशप e4 चेक देते हो तो किंग g7 आ सकता है। तो एलेखाइन ने इसको देखते हुए c5 के बाद, सॉरी क्वीन d7 के बाद क्वीन h6 खेला। क्वीन h6 ने g7 स्क्वायर ही कैप्चर कर लिया। अब जो है g7 पे नहीं जा सकती क्वीन, किंग और f6 भी कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है जॉनर ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि बिशप d5 चेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है बढ़िया। अगर मान लीजिए कि क्वीन टेक भी करता है तो यहाँ पर बिशप d5, अब आपको क्वीन ही अपनी कैप्चर करानी होगी। सो अगर हम पोजीशन का एसेस करें इस डिज़ाइन के पहले कि ब्लैक ने क्या गलतियाँ की, वाइट ने क्या अच्छी चालें खेली, तो हम देखेंगे वाइट के फेवर में इसको। गेम की 16th मूव में वाइट ने किंग g2 खेला था, और अगर हम यहाँ से प्लान को असेसमेंट करें वाइट का, तो वाइट ने खेला है यहाँ पर रुक g1, रुक h1, रुक ag1, नाइट d1, नाइट e3 और नाइट f5। पर ये सब जो वाइट के प्लान थे और ये सक्सेसफुल अटैक हुआ, ये सिर्फ ब्लैक के गलत चालों और ब्लैक के वीक मूव्स के कारण ही पॉसिबल हो सकता। अगर ब्लैक ऐसा नहीं खेलता तो ये गेम इस तरह से शायद नहीं हो पाता। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना ही भूलें। बाय बाय।